नमस्कार दोस्तों, यादों के सफर में इस सीरीज में हम उन चुनिंदा कलाकारों को याद करते हैं जिनके नाम एक जमाना हुआ करता था, पर आज हम उस हस्ती को याद करने जा रहे हैं जिसे नाम से तो कोई पहचानता नहीं, पर जब भी कुछ गाने टीवी पर आते हैं तो शक्ल याद आ जाती है। श्री 420 फिल्म का एक गाना बहुत फेमस है, रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया। ये गाना जिस डांसर पर फिल्माया गया है उस शीला वास की आज बात हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। शीला वास का फिल्मी सफर बहुत छोटा रहा, पर उन्होंने लगभग 40 फिल्मों में काम किया और शादी के बाद संन्यास ले लिया। ज्यादातर फिल्मों में वो डांसर के रूप में दिखाई देती हैं। छानबीन के दौरान हमें उनको लेकर कुछ बातें पता चली। शीला वास जी का जन्म कोकनी परिवार में 18 अक्टूबर 1934 को मुंबई में हुआ था। वे बचपन से डांसर बनना चाहती थी और फिल्म जगत में जाने का सपना देखा करती थी, पर उनका परिवार नहीं चाहता था कि शीला ऐसा कोई कदम उठाए। पर समय के साथ शीला का सपना पूरा हुआ और वो फिल्म जगत की प्रसिद्ध डांसर बन गई। हमें जानकर हैरानी हुई कि शीला को हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती थी, इसीलिए उनके लिए अलग लिपि की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी। राज कपूर की नज़र पड़ने से पहले शीला ने 4-5 फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम कर लिया था। किशोर साहू साहब की मयूर पंख में भी वो दिखाई देती हैं। पर उनकी किस्मत तब चमकी जब राज कपूर ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म श्री 420 में काम करने का मौका दिया। अपने पहले गाने के साथ ही शीला दर्शकों के दिलों पर छा गई और अन्य फिल्मकारों ने भी उन्हें ऑफर देना शुरू किए। एक इंटरव्यू में शीला जी बताती हैं कि वो खुद को खुश नसीब मानती हैं क्योंकि उन्होंने राज खोसला और केदार शर्मा जैसे नामी फिल्मकारों के साथ काम किया था। 1956 की CID फिल्म में लेके पहला पहला प्यार रिलीज होने के बाद शीला पर ऑफर्स की बरसात होने लगी। सिर्फ 1957 के साल में उन्होंने अपने जीवन का 50% काम कर लिया था। शीला ने सिर्फ एक साल में लगभग 23 फिल्मों में काम करके दिखाया था। छानबीन के वक्त पता चला कि शीला जी ने 40 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी थी जिसमें उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने 60 से भी अधिक फिल्मों में डांस किया था। पर उनके जीवन में फुल स्टॉप तब आया जब 1960 के साल में उनकी शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद उन्होंने फिल्मी जीवन से संन्यास लिया। अगर वे संन्यास नहीं लेती तो और भी अधिक फिल्मों में काम करके दर्शकों का मनोरंजन कर सकती थी। शीला जैसी बहुत सारी अभिनेत्रियां थी जिन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए, तब जाके हेलन जैसी डांसर्स को मौका मिला था। खैर, हमें ये भी जानकारी मिली है कि 2005 में मुंबई में जो बाढ़ आई थी उसमें शीला जी का बहुत नुकसान हुआ था। बेहतरीन गानों के साथ अजरामर बनने वाली शीला वास ने 4 दिसंबर 2014 को मुंबई में आखिरी सांस ली। तो मैं थी आपकी अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।